वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे जीके के 10 सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय स्टार्ट होता है अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरसों। क्वेश्चन नंबर टू, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर तीन, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आजादी का घनत्व, अरे माफ करना, सवाल को फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार। ओके, क्वेश्चन नंबर पांच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रथम विदेश दौरा किस राष्ट्र का है, अर्थात किस देश का है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूटान, थिम्पू। क्वेश्चन नंबर छह, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 जून को। क्वेश्चन नंबर सात, दोस्तों आपके फोन के इंटरफेस ऐसा दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं जीरो से जीनियस तक। इसके जस्ट बगल में सब्सक्राइब बटन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, धन्यवाद। सवाल नंबर सात, किस शहर पर सर्वप्रथम परमाणु बम गिराया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा। क्वेश्चन नंबर एट, रणथंभौर वन जीव अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर टेन, देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया गया राज्य है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, केरल। क्वेश्चन फॉर यू, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप आंसर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, क्यू फॉर यू, और उसका राइट आंसर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिए, कर दिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके और भी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम।